हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंडियन इकोनॉमी। में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 8th 5-year plan 1992 से लेके 1997। लास्ट लेक्चर में हमने 7th 5-year plan डिस्कस किया था। आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। सारे पॉइंट इजी थे और बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैंने डिस्कस किए थे। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो दोबारा से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। सो कम टू प्रेजेंट डे, प्रेजेंट सेशन, दैट इज 8th 5-year plan। तो सबसे पहले कौन कौन से इसकी मेन ऑब्जेक्टिव थे 8th 5-year plan के, ये डिस्कस करेंगे। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वॉज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, मॉडर्नाइजेशन। ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, यानी कि 8th 5-year plan पे भी इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। कि भी किस तरीके से आप इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करें, जैसे कि 7th 5-year plan में ये डिस्कशन, ये मेजर ऑब्जेक्टिव था कि भाई किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडस्ट्रीज को और ज्यादा अपडेट कर सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए 8th plan में भी इंडस्ट्रीज के मॉडर्नाइजेशन की बात की गई। मेजर एक जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये भी था कि भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ताकि और ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और सेल्फ रिलायंस और सेल्फ एक तरीके से सेटिस्फेक्शन को हम अचीव कर सकें, ठीक है। सो ड्यूरिंग द 8th 5-year plan मेन फोकस वॉज गिवन टू द टेक्निकल इन डेवलपमेंट, ठीक है। मेन फोकस वॉज गिवन टू टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड्स, वेरियस सेक्टर्स, सो दैट कंट्री कैन इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन मोर एंड मोर। So this one is the second objective of 8th 5-year plan. After that, next one is this plan, the reduction of deficit and foreign debt was aimed at, ठीक है, यानी कि reduction in foreign debt, उस पर ध्यान दिया गया। अभी मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे कि international business में दो countries involved है, आप किसी country से import कर रहे हो, जब आप import करोगे तो आपको वहां उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। करेंसी एक्सचेंज होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। तो मेन जो फोकस किया गया किस पे किया गया कि भाई हम अपनी ही कंट्री में प्रोडक्शन प्रॉपर करें, हर एरिया में जो भी चीजें मार्केट में डिमांड है उसको अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करके सप्लाई करें, ताकि फॉरेन डेब्ट को हम रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो ये भी मेन फोकस और मेन ऑब्जेक्टिव था 8th 5-year plan का। उसके बाद नेक्स्ट था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, फोकस ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, बिकॉज जीडीपी एग्रीकल्चर हैपन्स टू द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। जैसा कि हमें पता ही है, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स देर इज अ नंबर ऑफ द पर्सन्स हु मेंटेन देयर लिविंग स्टैंडर्ड बाय द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के बाद वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं, जैसे कि यानी कि जो एक तरीके से मेन अर्निंग जो है वो एग्रीकल्चर से हो रही है। तो इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो मेन कंट्रीब्यूशन जो आता है जीडीपी में वो एग्रीकल्चर से ही आता है। सो इनफैक्ट द 2/3 ऑफ वर्कफोर्स वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज ऑल्सो मेड यूज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनपुट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको रिप्रोड्यूस करके फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रही थी, जैसे कि जूट है और कॉटन है। तो इससे टेक्सटाइल में ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन किया गया, टेक्सटाइल को मेजर रोल प्ले किया गया टेक्सटाइल्स के लिए।
और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो था सेल्फ सफिशियंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सेल्फ सफिशियंसी का मतलब होता है कि भाई हमारी कंट्री में खुद में ही इतना प्रोडक्शन हो कंट्री में कि भाई हम प्रॉपर इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, और जो भी सेल्फ सफिशियंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मार्केट की जितनी भी डिमांड है उसको खुद से सेटिस्फाई कर सके। पहली चीज क्या है, जैसे कि हमें पता है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सो देर इज ऑल्सो प्रॉपर रिक्वायरमेंट ऑफ एंड डिमांड ऑफ फूड ऑल्सो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो उनकी नीड है खाने की, तो उसको प्रॉपर फुलफिल करना चाहिए। पहला मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि भी लोगों के पास प्रॉपर खाने के लिए खाना हो, भोजन हो, इतना कंट्री में प्रोड्यूस हो जाए कि भी जो मार्केट की जो नीड है वो फुलफिल हो जाए। साथ के साथ एग्रीकल्चर नीड पे भी ध्यान दिया गया, बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिनको इंडस्ट्रीज में यूज किया गया, जैसे कि कॉटन है, कॉटन को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने यूज किया और उसके बाद उससे गारमेंट्स बनाए, तो ये भी एक मेजर फोकस अटेंशन दी गई ड्यूरिंग द 8th 5-year plan। और सेल्फ सफिशियंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज अ टॉप प्रायोरिटी ड्यूरिंग द इंडिया 8th 5-year plan। ठीक है, तो ये क्या थी, टॉप प्रायोरिटी में था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन ऑफ फूड इंक्रीज 176.2 मिलियन फ्रॉम 51 मिलियन विच वॉज ह्यूज लीप इन द कंपेरिजन ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी कि 51 मिलियन से कितना हो गया 176.2 मिलियन, इतना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ इन द एग्रीकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, रिजल्ट शोज दैट 8th 5-year plan हैड बीन मोर सक्सेसफुल। Shows that 8th 5-year plan had been more successful in this regard as the deficit was reduced by 0.7% in 8th plan by only 0.1% in 7th plan। So with regard to the domestic saving as a percentage of GDP, 8th 5-year plan reached 24.4 while 7th 5-year plan 20.20. Domestic saving as percentage GDP 24.4% during 8th plan and 20.2% during 7th plan। So it is also result shows that ki bhi kitna major contribution hua aur achievement hui during the 8th 5-year plan। GDP hamara increase hua, domestic savings badi, incomes logo ki rise hui।
So in a nutshell, that 8th five-year plan was more successful in meeting its objective. So 8th five-year plan was more successful in meeting its objective as compared to other plan. Okay. So as far as the contribution of export earning is concerned, the 8th five-year plan contributed 10.1%. यानि कि जो export का जो contribution हुआ वो 10.1, यानि कि 10.1% at the GDP, जो 7th five-year plan में 9.9% था. Okay? तो export का contribution भी ज़्यादा हुआ. Export contribution 10.1 8th plan, where 9.9 7th plan, 9.9 7th plan. Okay, so these are the major objectives of the 8th five-year plan. Okay, student, thank you very much. So please note down this topic and आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए. I hope कि आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और समझ लीजिए. Next lecture में हम फिर से discuss करेंगे next plan को. तब तक stay happy, stay healthy and motivated also. Thank you.